फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। सो अगर तुम लोगों को याद होगा तो भैया बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे यार, बिटकॉइन जो है वो 25,000 डॉलर मार आया, बेरिश डाइवर्जेंस है, RSI नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, कब हम लोग 21,600 के पास आएंगे, और आज हम लोग आ गए। ओके, कल के वीडियो में अभी मैं बात कर रहा था कि यार बिटकॉइन बहुत रिजिलियंट लग रहा है, और होपफुली हो सकता है डबल टॉप मारे और उसके बाद नीचे आए, बट शायद बिटकॉइन उसी चीज का वेट कर रहा था कि मैं ऐसा बोलूं ताकि वो नीचे गिरे। ओके, बट अगेन हम लोगों ने बिल्कुल फोमो नहीं दिखाया, हम लोगों ने टॉप पे प्रॉफिट्स भी लिए, हम लोगों ने पैसा साइड पे भी रखा, बट क्या आज ये वो दिन है कि हम लोग यहाँ पे DCA कर ले? ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी। तो मेरे भाइयों देखो, अभी DCA करना या बाय द डिप वाला मोमेंट नहीं आया है, क्यों? उस पे जाने से पहले यहां अगर तुम देखोगे ना, तो लोगों ने बहुत से फंडे भी निकाले कि बिटकॉइन डाउन क्यों है, कॉइनबेस ने सस्पेंड किए सिल्वर गेट के पेमेंट, SEC ने ये किया, crypto.com ने वो किया, FTX ने ये किया, बट नहीं। ये न्यूज लोग जबरदस्ती चिपका रहे हैं। फंडा बहुत, देखो बिटकॉइन के ना तो इस पंप का कोई कारण था ना ही इस डंप का कोई कारण है न्यूज में, लेकिन अगर तुम टेक्निकली देखते हो तो बिटकॉइन ने यहाँ क्या किया भैया, कंसोलिडेशन। इतनी देर तक हम लोग सिर्फ साइडवेज रहे, कंसोलिडेट करते रहे, बेस बनाया, जब बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो मेरे भाई हम लोगों ने बहुत बढ़िया पंप दिया, और पंप कहाँ तक दिया, जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस था वहां तक हम लोग गए। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर समझ में नहीं आएगा, बट अगर तुम वीकली के ऊपर जाओगे तो 200 SMA जो है हम लोगों ने टेस्ट की, वहां से हम लोग रिजेक्ट, फंडा बहुत। अब जब वो हो गया तो चलो ठीक है यार, गेन का जो है कोई कारण नहीं था, डंप का क्या कारण है, डंप का भी कोई कारण नहीं था, बेरिश डाइवर्जेंस थी, एक डंप हुआ नीचे, यहाँ पे एक गैप जो है वो ओपन अप है जो हमें फिल करना है, तुरंत करेंगे नहीं, टाइम लगेगा लेकिन करेंगे डेफिनेटली। और जैसा कि तुम्हें याद है, ये हमारा चार्ट एक हेड एंड शोल्डर्स हमें बनाना है। तो यहाँ पे DCA का कोई पॉइंट नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ना सब इस उम्मीद में कि भैया ये वेक मार दी, अब यहाँ से बिटकॉइन जो है वो पंप होना शुरू होगा, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस और नीचे गिरेगा। और यहाँ गिरने के बाद हो सकता है हम लोग यहाँ कंसोलिडेशन करें, जब ऐसे करके हमारी एक बढ़िया सी बेरिश, नहीं सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस बने, हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, ये नेक लाइन को टेस्ट करेंगे जो है 23,736, फिर हम लोग नीचे गिरेंगे। सो हम लोगों को DCA कहाँ करना है, अभी टाइम है DCA का, लेकिन हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ पे। जैसे ही 21,600 पे आता है बाय करो, चाहे तुमको ऑल्ट कॉइन बाय करने, चाहे बिटकॉइन, चाहे इथेरियम, मैं तुम्हें डेली ट्रेड्स देता रहूंगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ये वो मौका होगा जहां पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, तो अभी के लिए स्टिल रुक जाओ। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने फेच, USDT ये मिस किया। ये तो अभी भी गिरा ही नहीं। AGIX वो भी नहीं गिरा है, राइट? तो अगेन तुम्हें ना ये पॉइंट्स पकड़ने, सो वेट करो कि यार ये डिप मारे, ये यहाँ कहीं तुम्हें मिल जाए या यहाँ कहीं मिल जाए। ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हम लोगों को फटक से उठाने हैं, क्योंकि हमें पता है ये बहुत जल्दी रीबाउंड मारने वाले हैं। सो बिटकॉइन का जो डिप आने वाला है उसमें ऐसे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पकड़ लो, और वो सिर्फ ट्रेड के लिए पकड़ो, यहाँ आके वापस प्रॉफिट्स ले लो, ज्यादा रखना मत उसको अपने पास, अगर ये डिप करेगा तब हम लोग सोचेंगे, लेकिन ये हम लोग प्रॉफिट्स ले लें। क्योंकि अपना जो अल्टीमेट टारगेट है ये यहाँ बाय करके हम लोग होल्ड करेंगे। यहाँ बाय किया या फिर यहाँ बाय किया, ये हमारे जो तीन टारगेट्स तुम देख रहे हो नीचे बने हुए हैं, ये हमारे लॉन्गर टर्म के लिए, जहां हमें प्रॉफिट्स नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ DCA करना है। तो अभी के लिए क्या कारण है बिटकॉइन के गिरने का, बेरिश डाइवर्जेंस, अभी के लिए DCA करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन 22,400 तक आया है, बट यार कहाँ तक गया बिटकॉइन, 22,000, ऑलमोस्ट 22 से भी नीचे गया है यार, 21,900 तक गया है। और अगर हम लोग फ्यूचर्स में देखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, फ्यूचर्स में भी हम लोग 22,000 तक आए यार, बट स्टिल मेरे भाई ये गैप यहाँ खाली। सो बहुत से लोग अभी ये फंडा दे रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बना रहे हैं, तो तुम देख सकते हो बिटकॉइन जो है वो अभी भी इस राइजिंग चैनल के ऊपर है, सो होपफुली यहीं से वापस ऊपर चला जाए। अगेन मैं वही कहूंगा कि यार नहीं, ये एक राइजिंग चैनल है, सो एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेक होगा और हम लोग ये गैप फिल करेंगे।
तो हमें थोड़ा वेट करना है कि हम लोग ये ग्रीन लाइन को टेस्ट करें, गैप फिल करें, चाहे हम लोग सिर्फ एक विक दे, वो विक देने के बाद वी शुड बी ऑल सेट के मेरे भाई अब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए घुस जाए। उसके पहले पंगे मत लेना। ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, मार्केट ने इनफैक्ट ग्रीन में क्लोज किया है, क्रिप्टो मार्केट की सॉलिड पिटाई हुई है, हम लोग फाइनली ग्रीड से जो है वो फेयर में जा रहे हैं, अभी आएगा 2-2.5 घंटे में ये अपडेट हुआ, हम लोग थोड़ा ग्रीड में देखेंगे, थोड़ा और ग्रीड में सॉरी फेयर में देखेंगे, थोड़ा और फेयर में जाएंगे तो वो हमारा बाइंग जोन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है ना मेरे भाई, ये चार्ट से रख देख, ये रखो तुम अपने पास लिंक, जैसे ही तुम ग्रीड में हो प्रॉफिट्स लो, जैसे ही वापस फियर में हो बाय करना शुरू करो। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट तो है ही डाउन, बिटकॉइन 5%, इथेरियम 5 से ज्यादा, बीएनबी स्टिल 4%, XRP साइडवेज है, कार्डानो 2.5%, मैटिक मैटिक देखो अच्छा टोकन है राइट, ये डॉलर्स में मिलता तो पकड़ो इसको, डॉज कॉइन 6% डाउन है, और कुछ टोकन जो स्टिल बिना इस डंप की परवाह किए आगे बढ़ रहे हैं, मेकर 916 डॉलर्स, 4% स्टिल ऊपर है ये। ईओएस तुम देख सकते हो, ईओएस तो चलो ठीक है यार। बट अगेन टोकन स्टिल अच्छी रैली दिखा रहे हैं, वाईफाई 10,000 डॉलर, ये मुझे याद है यार, हम लोगों ने 4,000 डॉलर पे इसकी बात की थी। सो अगेन मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने बहुत सॉलिड प्रॉफिट्स बनाए हैं, सो मेक श्योर अब की होल्ड करो, वापस डिप आएगा हम लोग बाय करेंगे और उतने ही प्रॉफिट्स फिर से बनाएंगे। कुछ टोकन जो न्यूज में है वो है चेनलिंक, चेनलिंक ने जो है वो बेस के साथ इंटीग्रेट किया है, और अगेन मैं वही कह रहा हूँ ये टोकन तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में हमेशा होना ही चाहिए। और कॉइन बेस ने जो है वो वन रिवर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट को एक्वायर कर लिया है, सो अगेन क्रिप्टो जो है वो फ्लरिश हो रहा है, सो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आज की ये डिप को देख के डरो मत, इनफैक्ट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा और वेट करो, 1 वीक और 21,600 जो है वो तुम्हारा एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है, 21,600 या मैं तो कहूंगा हो सकता है ये प्रीवियस डिप वीक को भी वो टेस्ट करे, सो 21,500 के अराउंड बाय करो और 21,200 के अराउंड स्टॉप लॉस रखो, और तुम्हारा जो प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा वो होगा 23,736 सिर्फ। 8 से 10% का मूव है और मैक्स 1-1.5 हफ्ते में वो मूव आ जाएगा। बट कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मेरे भाई, सो अपनी रिसर्च जरूर करना। ओवरऑल ठीक है, हम लोगों के लिए पहले ये एक्सपेक्टेड मूव था, सो कुछ नया तो है नहीं राइट, और अगेन अगला भी जो मूव है वो भी हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेड ही है, सो मेक श्योर प्लान पे ही रहो, प्रॉफिट्स बनाओ, पैसा गवाओ बिल्कुल मत। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।